सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज हम संधि प्रकरण भाग एक के बारे में हम बात कर चुके हैं। मित्रों, मैंने आपको ये बताया था जो संधि शब्द है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है और संधि का क्या उपयोग है, ये हमने भाग एक में पढ़ा है। मित्रों, संधि का अर्थ विकार होता है, ये ध्यान रखें। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा। संधि का अर्थ विकार होता है और ये जो विकार है ये हिंदी भाषा में संधि के क्षेत्र में तीन तरह से विकार होते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि संधि में एक आदेश होता है, आदेश के बाद में एक आगम होता है और एक लोप होता है। विद्यार्थियों, जो हमारी परंपरा बनी हुई है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण के मिलने से जो दोनों वर्णों के मध्य जो विकार होता है वह संधि होती है, इसको हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड की परिभाषा है। ये जो विकार है उसके तीन प्रकार हैं, आदेश, आगम और लोप। आदेश का मतलब होता है पूरी तरह से कोई वर्ण बदल जाना। मैंने कल की कक्षा में ये बताया है, जैसे वाक और ईश आप इसको जोड़ते हो तो ये जो क जो दिखाई दे रहा है ये ग हो जाएगा और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो है वो ई है वो इसमें मिल जाएगा और ये शब्द बन जाएगा वागीश। इस प्रकार से क का ग होना ये आदेश है। व्याकरण के क्षेत्र में जो आदेश है, आदेश को हम शत्रु की भांति मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि या तो क रहेगा या तो फिर ग रहेगा। मित्रों, इसी प्रकार से फिर आगम होता है। आगम का मतलब ये आगम जो है वो व्याकरण में मित्र की भांति होता है। और जैसे मित्र का मतलब ये है कि मित्र जो दो मित्र हैं और दो के साथ में तीसरा भी आ गया तो उनमें प्रथम और द्वितीय मित्र को बल ही मिलता है, संबल ही मिलता है। उसी प्रकार से आगम में भी किसी नए वर्ण का आगमन हो जाता है दो वर्णों के मध्य। और इसके लिए मैंने यहां पर पूर्व की कक्षा में एक तो चागम व्यंजन संधि बताई थी आपको, एक शागम व्यंजन संधि बताई थी और एक सागम व्यंजन संधि बताई थी। इन तीनों संधियों को हृदयंगम कीजिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से और शब्द शुद्धि की दृष्टि से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं लोप की। इसका मतलब संधि में केवल विकार ही नहीं होता, आदेश भी होता है, आगम भी होता है और फिर लोप। अब ये लोप क्या चीज है आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये। और देखिए, इसके साथ में आप एक चीज और लिखे, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसके स्वरूप ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, इसके साथ में एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें कि ये जो आज का प्रकरण है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदी की संधि प्रकरण में कुछ भी नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये हिंदी भाषा का प्राण तत्व है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मित्रों, लोप के विषय में मैंने कल आपको बता दिया था कि लोप का मतलब है दो वर्ण जब निर्दिष्ट वर्ण जब मिलते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो वहां से हट जाता है, डिलीट हो जाता है, यही लोप है। तो चलिए आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि लोप क्या है। मित्रों, लोप में देखिएगा एक संधि है जिसको हम बोलते हैं न लोप व्यंजन संधि, न लोप व्यंजन संधि। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मनी ऐसे शब्द जिसमें न का लोप होता है, ऐसे शब्द जिसमें न का लोप होता है उसको हम न लोप व्यंजन संधि कहते हैं। नियम क्या है, चलिए मेरे साथ आप नियम लिखिए। मित्रों, नियम यह है कि हिंदी में कुछ ऐसे, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, कुछ ऐसे तत्सम पद या शब्द हैं, पद हैं जिनके अंत में हलंत न होता है,
मूलतः हलंत न होता है, ऐसे शब्दों को जिसको मैंने पद कहा है, अब मैं शब्द लिख रहा हूं, ऐसे शब्दों का योग किसी अन्य शब्द से होने पर न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है और इसे ही हम हिंदी की व्याकरण में न लोप व्यंजन संधि कहते हैं। मित्रों ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, तो आज आइए हम उन ऐसे शब्दों के बारे में बात करते हैं। देखिए मूलतः कुछ शब्द हैं जिनको हम हमारी भाषा में पक्षी कहते हैं, उसका मूल शब्द पक्षिन होता है। यह महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। जब मैं पक्षी अकेला लिखता हूं तो पक्षी में दीर्घ ई का प्रयोग होता है, पक्षी, लेकिन उसका मूल जब इसका जन्म हुआ था शब्द का, तब ये नकारांत शब्द था। संस्कृत में ऐसे शब्दों को इनंत शब्द कहते हैं और पक्षी का मूल शब्द पक्षिन था। इसी प्रकार से प्राणी जिसको हम कहते हैं, उस प्राणी का मूल शब्द प्राणिन था। जिसको आप भोगी कहते हैं, इसका मूल शब्द मित्रों भोगिन होता है, जिसको आप स्वामी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये देखता हूं कि पढ़ा लिखा वर्ग भी इन चीजों को बहुत गलत करता है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। जिसको हम रोगी कहते हैं, उसका मूल शब्द जो है वो रोगिन होता है, और जिसको हम योगी कहते हैं, उसका मूल शब्द मित्रों योगिन होता है। इसी श्रेणी में एक शब्द और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सन्यासी जिसको आप कहते हैं, उसका मूल शब्द सन्यासिन होता है। मित्रों एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, ऐसा ही परीक्षा 2010 एक प्रश्न आया था कि निम्न में से लिखिएगा, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध शब्द है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। चार ऑप्शन आपके पास में थे और वो चार ऑप्शन ये थे। इस क्लास के बाद में आप 2010 जो 2011 में पेपर हुआ था, 2011 का जनवरी या फरवरी में प्रश्न पत्र हुआ था, और वहां आप आरपीएससी की साइट पर जाकर के और एसआई का परीक्षा देखें, उसका प्रश्न पत्र हिंदी का, और उसमें ये प्रश्न था। एक शब्द था योगीराज, एक शब्द था योगीश्वर, एक शब्द था अभ्यारण्य, और एक शब्द मैं वो लिख नहीं रहा हूं जो उसमें आया, मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं, वह था युवर। मैं तो आपको इसमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 शुद्ध हैं और 1 इसमें अशुद्ध है, तो अशुद्ध को छांटिए जब तक मैं इधर शब्द लिख रहा हूं। इसी प्रकार से हमारे दैनंदिन जीवन में जिसको हम विद्यार्थी कहते हैं, उसका मूल शब्द जो है वो विद्यार्थिन होता है, विद्यार्थिन होता है। मैंने ये कहा कि हिंदी में कुछ ऐसे तत्सम पद हैं जिनके अंत में मूलतः जब इनका जन्म हुआ था शब्दों का, तब ऐसे शब्दों के अंत में हलंत न मानी हल वाला न होता है, जैसा कि पक्षिन, प्राणिन, भोगिन, स्वामिन, योगिन, रोगिन, योगिन, संन्यासिन, विद्यार्थिन। इसी प्रकार से शब्द बहुत सारे हैं, वो आगे फिर हम और लिख लेंगे। तपस्वी शब्द है, उसका मूल शब्द तपस्विन होता है। जिसको आप काशी कहते हो, उसका मूल शब्द काशिन होता है। तो इस प्रकार से जिसको आप युवा कहते हो, मूल शब्द युवन होता है। हम कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर, उसका मूल शब्द ब्रह्मन होता है। उसकी आत्मा वह जो है, उसकी आत्मा अच्छी है, तो उसका मूल शब्द आत्मा नहीं है, मूल शब्द आत्मन होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे और भी शब्द है। राजा जिसको हम कहते हैं, उसका मूल शब्द राजन होता है, और यही कारण है कि राजवर्ग, राजकुल, राजपुत्र, राजनगर, इस प्रकार के या राजप्रासाद इत्यादि शब्दों का निर्माण इसी संधि की देन है। हिंदी की दृष्टि से मैं देखूं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसको बहुत सारे लोग उपेक्षित कर देते हैं, जबकि ये अपेक्षित है, हर विद्यार्थी को जानना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से भी और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है। मित्रों ऐसे शब्द जिनके अंत में हलंत होता है, इनका योग किसी अन्य शब्द पर, ये प्रथम पद है,
इनका योग जब हम किसी अन्य शब्द के साथ में करेंगे तो इसके अंत में आया वाला जो न है इसका लोप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा पक्षी और राज, गरुड़ जिसको आप गरुड़ कहते हैं, पक्षी राज उसका पर्यायवाची शब्द है। अब पक्षी और राज इन दोनों पदों को जब आप जोड़ देते हैं तब देखिएगा ये अंत में हलन था, इसका अन्य शब्द राज है, इसके साथ में योग हुआ तो पक्षी का जो न था उसका लोप हो जाएगा और ये शब्द बन जाता है पक्षी राज। क्या आपने कभी सोचा है जब मैं अकेला वाक्य लिखता हूं तब मैं ये कहता हूं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो वहां पर दीर्घ ई का प्रयोग होगा। यदि आप पक्षी को ऐसा अकेला ऐसा लिखोगे तो यह अशुद्ध है, लेकिन पक्षी राज में क्यों आखिर ह्रस्व हो गया यही आज की कक्षा का चिंतन है जो हमें करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनको केवल विद्यालय और हिमालय और स्वागत और महोदय और महाशय इन्हीं से काम पड़ा होगा उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो, लेकिन इस संसार में कोई भी चीज कठिन नहीं। यदि आप पूर्णतः स्वाध्याय और मनोयोग से इन बातों को आप सीखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी से सरल और हिंदी से मैथमेटिक्स टाइप हिंदी की गणितीय संरचना है व्याकरण की, हमें उसी प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए। मित्रों हम ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो प्राणी में आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसा लिखते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 एक शब्द आया था प्राणी के साथ में, जब शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मूलतः प्राणी था, इस नाम का मैंने लोप कर दिया और ये शब्द हो गया प्राणी शास्त्र। मित्रों ये जितने भी शब्द जो मैं अभी आगे लिखने वाला हूं ये वस्तुतः न लोप व्यंजन संधि के उदाहरण है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राणी शास्त्र इस शब्द में कौन सी संधि हुई है तो मूलतः तो इस संधि का नाम न लोप व्यंजन संधि है, लेकिन मैंने कई बार देखा है परीक्षाओं में ये न लोप देते ही नहीं है और इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है, तो प्राणी शास्त्र में प्राणी विज्ञान में प्राणी वृंद में प्राणी वर्ग में बहुत सारे शब्द, मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं लेकिन आगे के शब्द आपको खुद को अभ्यास के साथ में बनाना है, इन सभी शब्दों में व्यंजन संधि है। क्योंकि संधि के जब हम जानते हैं कि तीन भेद हैं, जब कभी भी स्वर में किसी प्रकार का कोई हलचल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं, जब व्यंजन में व्यंजन का आगमन या व्यंजन का लोप या व्यंजन में विकार होता है तो उसका नाम व्यंजन संधि है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राणी शास्त्र में ऋ ह्रस्व होता है। दूसरी बात, आज के बाद में जब आप ये शब्द सीख गए हो तो आज के बाद में किसी महाविद्यालय में जाइएगा और हद कब हो जाती है, हालांकि वो हमारा ही वर्ग है लेकिन भाषा को जानना जरूरी है, इसलिए प्राणी शास्त्र विभाग इस प्रकार से लिखा होता है उसको आप समझाइएगा कि प्राणी मूल शब्द है, इसके साथ में जब शास्त्र शब्द का संयोग होगा तब ना का लोप होगा और हिंदी की दृष्टि से हिंदी व्याकरण में इस संधि का नाम न लोप व्यंजन संधि है। चलिए आगे चलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, हाँ आप प्राणी शास्त्र को इस प्रकार से लिख सकते हो, यह भी ध्यान रखिएगा, प्राणी अलग लिख करके शास्त्र अलग लिख सकते हो, यदि शिरोरेखा एक कर दी है आपने तो यह गड़बड़ है, यह भी ध्यान रखिएगा। मित्रों भोगीराज पांड्या राजस्थान के जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण योगदान था और दक्षिण राजस्थान के निवासी थे। भोगीन और राज इसको जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा बोलो, देखो ना का लोप हो गया, गीच और ह्रस्व हो जाएगा, भोगी और राज इसको एक शिरोरेखा कर दोगे ना लोप व्यंजन संधि हो गई। लेकिन मनुष्य स्वभावतः भोगी है तो भोगी आप अकेला लिखोगे, तो भोगी मैं पहले लिख चुका हूं कि भोगी का अकेला ऐसा लिखोगे, लेकिन जब मिला के लिखोगे तो इस प्रकार से लिखोगे भोगी राज। मैं तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वह मेरा स्वामी है, स्वामी का स्त्रीलिंग जो है वह स्वामिनी बनता है, ये ध्यान रखिएगा, वहां पर इनंत प्रत्यय है, जो प्रत्यय प्रकरण में हमने बात करी थी। स्वामी मूल शब्द है, इसका स्वामी ये इस प्रकार से जब आप लिखोगे स्वतंत्र रूप से तो स्वामी लिखोगे, ये बात नोट करें कि हिंदी में जो शब्द व्युत्पत्ति के चार पक्ष हैं, मैंने आपको बताया उपसर्ग प्रत्यय समास और संधि, ये चारों ही जो संक्रियाएं हैं हिंदी की व्युत्पत्ति पक्ष की, ये हमेशा ही मूल शब्दों के साथ में होती है। तो स्वामी और वृंद बहुत अच्छा शब्द है, तो क्या करोगे बोलो, स्वामी वृंद। आपने सोचा होगा कि
स्वामी अकेला बड़ा होता है, लेकिन स्वामी वृंद में ही ह्रस्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वृंद के साथ में जब स्वामी शब्द का योग हुआ तो न का लोप हो गया, न यहां से हट गया, और यही कारण है कि संधि का नाम जो है वो न लोप व्यंजन संधि है। एक और बीच में चीज याद आ रही है, हो सकता है बाद में दिमाग से निकल जाए, मंत्री शब्द है। मंत्री शब्द का मूल शब्द जो है वो मंत्रिन होता है। अब मंत्रिन के साथ में जब मंडल जोड़ते हो, मैंने कहा कि वह कैबिनेट मंत्री है। जब कोई शब्द किसी शब्द का अंतिम पद, सामासिक पद का अंतिम पद बनता है तो मंत्री माने कि जो हमारा जो हिंदी का जो प्रातपदिक है, हिंदी ने मंत्री को स्वीकार किया है। लेकिन जब संधि होगी तो मंत्री और मंडल में आपने देखा होगा कि मंत्री मंडल को आपने ऐसा ऐसा लिखते हैं। ये चिंतन हमारे मस्तिष्क में सहज और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर ये जो मंत्री जब अकेला लिख रहे थे तब तो दीर्घ था, लेकिन मंत्री परिषद लिखोगे तो आप मंत्री और परिषद इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। मंत्री और परिषद में द हलंत होता है, ये ध्यान रखिएगा। परी का अर्थ होता है चारों ओर, और सद मनी बैठना। परी और सद के मध्य भी संधि हो गई है, परी और सद। यहां पर स जो देख रहे हो, इस स का इस र में जो ई था उसके कारण श हो गया। ये सद का अर्थ होता है बैठना, परी मनी चारों ओर, जिसमें चारों ओर मंत्री बैठते हैं उसका नाम मंत्री परिषद है। चलिए, तो स्वामी ग्रंथ है इस प्रकार से, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको देखिएगा, आगे बात करते हैं रोगिन, रोगिन और चरिया, रोगिन और चरिया। सेकंड ग्रेड में पूछा गया शब्द, मूलतः ये रोगी है। रोगी शब्द जो है वो प्रतीक दृष्टि से हम बात करें तो ये रुज मूल शब्द था। रुज में जब अ जुड़ता है तब रोग बनता है, और रोग में जब ई जोड़ते हो तब रोगी बनता है, और रोगी में जब रोगी, ये पुल्लिंग का विशेषण है, स्त्रीलिंग का विशेषण, इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके बनाते हैं तब शब्द बनता है रोगिनी। कोई भी महिला रोगी नहीं हो सकती, महिला है तो रोगी नहीं होगी, जैसे कोई भी महिला योगी नहीं योगिनी होती है। इस संसार में कोई भी महिला सन्यासी नहीं सन्यासिनी होती है। विद्यार्थी का विद्यार्थिनी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन चूंकि हिंदी में जो दो लिंग की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं विकृत होती नजर आ रही है। लेकिन आज का हमारा विषय लिंग पढ़ाना नहीं है, ये केवल मैं शब्द बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी का ये जो आज संधि का जो टॉपिक है, ये बिंदु है, ये संधि की आत्मा है, प्राण है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, रोगी चर्या में घी और चर्या। एच टेट में ये पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, रोगिन और चर्या को जोड़ोगे तो रोगी चर्या बनेगा, ये ध्यान रखना। रोगी चर्या का मतलब है रोगी को जो रोगी के लिए जो करणीय जो चीजें हैं, कोई रोगी है और उसके लिए रोग वाला जो है उसके लिए जो करणीय जो चीज है उसको हम रोगी चर्या कहते हैं। मित्रों, अब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया और यहां पर हमें थोड़ा रुकना होगा। देखिए, मैं फिर बता देता हूं, युज मूल शब्द है, युज में अ जुड़ता तो योग बनता है, योग में ई जुड़ेगा तो योगी बनेगा, इन्हीं जोड़ोगे तो योगी नहीं बनेगा। योगी विशेषण है पुलिंग का, माने पुरुषवाचक है ये, और योगिन के साथ में जब आप राज जोड़ते हो, योगीराज भगवान कृष्ण को कहा जाता है। योगिन के साथ में राज जुड़ा, न का लोप हो गया, घी हरस्म हो गया और ये शब्द बन गया योगीराज। तो इसका मतलब हुआ कि निम्न में से अशुभ शब्द में योगीराज तो ठीक है। इसमें मैं एक बात बता दूं आपको कि जब ये प्रश्न आया था उस वक्त ऐसा हुआ था कि विद्यार्थी ने क्या किया, उनको लगा कि या तो ये वाला गलत है या ये वाला गलत है, क्योंकि दोनों में योगी योगी शब्द आ रहा, एक में ह्रस्व आ रहा था एक में दीर्घ आ रहा था, और यही कारण था कि उन्होंने जो है अपने इस देव का नाम बोलते हुए इन दोनों में से एक कर दिया यह शब्द। इसमें मैं अब आपको बता देता हूं कि अभ्यारण्य शब्द जो है वो अशुद्ध है, यह शब्द जो है ये अउपसर्ग है, भय मूल शब्द है और अरण्य होता है। अरण्य जंगल को कहते हैं, भय हम जानते ही हैं, ऐसा अरण्य ऐसा जंगल जहां पर भय होता है, यह वाला अ और अरण्य वाला अ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई और यह शब्द बन गया भयारण्य। पूरे हिंदुस्तान में ये हॉट केक की तरह होने वाली अशुद्धि है, यूं कहूं कि राष्ट्रीय अशुद्धि है तो भी कोई समस्या नहीं है। और भयारण्य ऐसा अरण्य जिसमें भय हो, लेकिन ऐसा अरण्य जो प्रशासनिक दृष्टि से सांविधानिक दृष्टि से जो संरक्षित क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है उसको हम अभयारण्य कहते हैं। कदाचित हम जानते हैं कि राजस्थान में एक इसी शब्द को नहीं जानने के कारण
ऐसा अरण्य जिसमें भय नहीं था लेकिन भय उत्पन्न करने की चेष्टा की गई और उसके कारण एक व्यक्ति आज भी पूरे हिंदुस्तान में पीड़ित है, हम सब जानते हैं। अभयारण्य शब्द बन गया। अभयारण्य शब्द गलत होता है। योगेश्वर की बात करते हैं मित्रों, योगेश्वर शब्द समझना चाहिए, योगिन शब्द है और योगिन शब्द के साथ में जब ईश्वर जुड़ता है तब देखिएगा। अब इसमें मैंने आपको कहा कि न का लोप हो गया, न का लोप होने के बाद में हिंदी में कुछ ऐसे तत्सम पद जिनके अंत में हलंत न होता है, तो योगिन का हलंत न है, का योग किसी अन्य शब्द मंगे ईश्वर से हो रहा है तो न का लोप होना चाहिए। यहां तक समझ में आया। इसके आगे हमें यह जानना चाहिए कि उस न के लोप होने के बाद में अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो तो वहां पर स्वर संधि हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। स्वर संधि में दो संधियां होती है इसमें, या तो दीर्घ संधि होती है या तो फिर गुण संधि होती है। यदि किसी को ये बात और ज्यादा क्लियर करनी हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मित्रों यहां पर न का लोप हो गया और ग में जो ई था ह्रस्व और ईश्वर वाला जो दीर्घ ई था उसको जुड़ करके ये शब्द बन गया योगीश्वर, और इसलिए यह आपके सामने तथ्य प्रकट हो गया कि योगीराज भी सही है और योगीश्वर भी ठीक है। यू वर्ग पूरा हिंदुस्तान इसको गलत लिखा है, यह ध्यान रखिएगा। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं मित्रों। यू वर्ग जो शब्द है देखिए कैसे बनता है, जिसको हम युवा कहते हैं उसके साथ उसका मूल शब्द है युवन। इस युवन शब्द के बारे में हमें बात करनी चाहिए। युवन शब्द के साथ में जब हम वर्ग शब्द जोड़ते हैं तो ना का लोप हो जाता है और शब्द जो हमारा बनता है वो बनता है यू वर्ग। लेकिन हम कदाचित इसको कदाचित नहीं बल्कि 99% जो हिंदी के शिक्षक हैं, यहां तक जो हिंदी के बहुत प्रेमी हैं, वो भी इस शब्द का गलत उच्चारण कर देते हैं। हमें उसका शोधन करना चाहिए। मित्रों इस शब्द का अर्थ होगा युवा तो है लेकिन वो वर्ग में नहीं है, वो अवर्ग में है। मैं मेरे युवाओं से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने लिए यू वर्ग शब्द का प्रयोग करें। आप लोगों को लग रहा होगा कि हिंदुस्तान में सब जगह या हम पुस्तकों में या जो है हम समाचार पत्रों में भी युवा वर्ग पढ़ते हैं, तो आखिर ये क्या है? मित्रों एक तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी के दो स्वरूप हैं, एक हम जानते हैं राजभाषाई स्वरूप है और एक स्वरूप जो है वो राष्ट्रभाषा का है। राष्ट्रभाषा जो है वो गली मोहल्ले की और दैनिक जीवन की भाषा होती है, उसमें हम कैसे भी बोल सकते हैं, कहीं समस्या नहीं। लेकिन जो आप परीक्षा देने जाते हो राजभाषा की देने जाते हो और राजभाषा में युवा वर्ग कोई शब्द नहीं है, यू वर्ग है। देखिएगा जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेट का बड़ा प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसका नाम युवराज नहीं है, वो युवराज है, युवराज है। इसी प्रकार से एक जो है दूरदर्शन पर एक रेडियो में कार्यक्रम आता था, उसका नाम युववाणी था। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि युवावाणी। जिन शब्दों को हम जानते हैं उन शब्दों को हम मान लेते हैं। इन तथ्यों को हमें जानना चाहिए कि जिस खान से युववाणी, युवराज और इसी प्रकार से युवा शक्ति नहीं होता है, युवन और शक्ति को जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा बोलो? युव शक्ति बनेगा। तो युवराज है, युववाणी है और युववर्ग है, युव शक्ति है। इन शब्दों में वा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि युवन शब्द है और युवन के साथ में जब मैं अवस्था जोड़ देता हूं तो यहां पर यह स्थिति अलग हो जाती है। अवस्था को मैंने जोड़ा तो न का लोप हो गया, पीछे क्या रहा? युव रहा। और युव में जो अ है और अवस्था वाला जो अ है ये दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं और यहां पर युव अवस्था नहीं लिखना है, यहां पर युवा अवस्था है। ये कोई भी यहां पर हमें समस्या नहीं है क्योंकि यहां पर पहले न लोप संधि हुई है युवा अवस्था शब्द में और फिर वहां पर दीर्घ संधि हुई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि न का लोप होने के बाद में दीर्घ संधि हो सकती है और गुण संधि हो सकती है, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक शब्द है युवन और आचार्य। युवन और आचार्य को जब जोड़ते हो तब शब्द क्या बनेगा बोलो? युवाचारी शब्द बनेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इस कक्षा के। यदि जीवन में आज के दिन आप ये संकल्प ले लो कि मुझे जीवन में कभी भी युवा वर्ग नहीं बोलना है, तो इस कक्षा का और ये जो मैं कर रहा हूं आपके लिए परिश्रम, उसका मेरे लिए यही उपहार होगा। युवा, युवराज, युववाणी, लेकिन युवावस्था, युवक शक्ति, युवा शक्ति बोलना छोड़िएगा, नहीं तो युवा तो हो जाओगे लेकिन वो अशक्ति शब्द हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें हो रहा है युवा और आचार्य, क्योंकि आ जाएगा वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी सब जगह। यदि आप युवा वर्ग करोगे तो मैंने आपको बताया कि आप युवा तो होंगे लेकिन आप किसी वर्ग के हिस्से नहीं होंगे, वर्ग में सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार से युवन आचार्य, मैं इनको शब्दों को मिटा रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
इन शब्दों को मिटा रहा हूं मैं। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभयारण्य गलत है। चलिए मित्रों अब मैं इसके थोड़ी आगे की कहानी शुरू करता हूं। न लोप व्यंजन संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। मित्रों देखिए सन्यासी को जब अकेला लिखते हैं तब ऐसा लिखते हैं, इस सन्यासी को हमने हिंदुस्तान में सब जगह सन्यासी कर दिया है और मुझे लगता है कि शब्द जब भ्रष्ट होते हैं तब विचार भी भ्रष्ट हो जाते हैं। पहली बार कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें दो पंचम वर्ण एक साथ हो उसमें कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम उन्नयन को ऐसे नहीं लिख सकते, उन्नयन को हम डबल न नीचे ही लिखना पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से सन्यासी को हमें ऐसा लिखना चाहिए, यही शुद्ध है। तो सन्यासी का मूल शब्द जो है वो सन्यासीन है और सन्यासीन के साथ में जब आप वृंद को जोड़ देते हो तब ये शब्द क्या बनेगा बोलो, सन्यासी ह्रस्व हो जाएगा और ये शब्द बनता है सन्यासी वृंद, सन्यासी गण, सन्यासी राज, सन्यासी बहुत सारे सन्यासी जन, बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो सकता है। विद्यार्थी को जब अकेला लिखोगे कि मैं पांचवी कक्षा का विद्यार्थी हूं, मैं दसवीं कक्षा का विद्यार्थी हूं, तो वहां पर दीर्घ की का प्रयोग होगा। लेकिन विद्यार्थियों के साथ में जब आप परिषद जोड़ देते हो तो विद्यार्थियों और परिषद को जोड़ने से ना का लोप हो जाएगा और ये जो शब्द है वो मित्रों क्या बनेगा बोलो, विद्यार्थी परिषद बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तपस्विन, तपस्विन के साथ में देखो जन जोड़ो, जब अकेला तपस्वी लिखोगे तो दीर्घ लिखोगे लेकिन तपस्विन के साथ में जन जोड़ेगा, जन जुड़ने से ना का लोप हुआ और ये शब्द रहा आपके सामने तपस्वी जन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इन शब्दों का बार बार आप अभ्यास करोगे और शुद्ध लेखन इनका करोगे। मैंने कक्षा के आरंभ में ही आपको कहा था कि मित्रों ये जो संधि जो है आज की, ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभ्यास कीजिएगा, आपके जो अपने हैं उनके साथ ये जो हमारी कक्षा है, जो मैया पाठशाला है, उनको आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी जो प्रत्येक कक्षा है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि विद्या को हम जितना फैलाते हैं उतना ही बढ़ती है। दूसरी बात, मनुष्य का ये सहज और स्वाभाविक स्वभाव है कि उसको प्रेरणा मिलती है, तो हमारी प्रेरणा यही होगी कि हमारी कक्षाओं को कितने विद्यार्थी देख रहे हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। चलिए हमने युवा की बात कर ली है, युवा का मूल शब्द मैंने आपको बता चुका हूं, युवन होता है। इसी प्रकार से राजा जो शब्द है, राजा का मूल शब्द राजन होता है। आपने कभी सोचा है कि हमने राजा राजभवन जब लिख रहे हैं तो जब हम राजभवन का विग्रह करते हैं तो राजा का भवन, क्योंकि वो स्वामी है वहां पर, राजा के लिए भवन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो राजा का भवन जब हम कर रहे हैं तो मूल शब्द तो राजा है तो राजा भवन होना चाहिए, नहीं, मूल शब्द राजा नहीं है, मूल शब्द राजन है और राजन के साथ जब भवन जोड़ोगे, इसके साथ में जब भवन शब्द का प्रयोग होगा तो न का लोप हो जाएगा और ये राज और भवन को एक साथ लिख दोगे राजभवन बन जाएगा। इसी प्रकार राजन के साथ गृह ग्रह शब्द गृह शब्द जोड़ते हो तो राज गृह बन जाता है, राजन शब्द के साथ प्रासाद जोड़ देते हो तो राज प्रासाद बन जाता है और राजन के साथ में जब पुत्र जोड़ देते हो तब वह राजपुत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है हमें। मित्रों एक और शब्द लेते हैं हम, ब्रह्मा शब्द है और ब्रह्मा जो है उसका मूल शब्द ब्रह्मन है। देखिए आपने सुना होगा वह ब्रह्महंता है, तो ब्रह्मा जब हम ब्रह्मा कह रहे हैं तो ये ब्रह्मा का ब्रह्म बना कैसे, इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। इसलिए ये मेरा विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी हरस्व होगा, मेरा विद्यार्थी वर्ग ये समझे कि ब्रह्मा का मूल शब्द ब्रह्मन है और ब्रह्मन और हंता के मध्य संधि हुई है, ये दो शब्द नहीं है। इसी तरह से हमने मित्रों एक शब्द देखिएगा, युवा लिया, एक राजा लिया, एक ब्रह्मा लिया, तो ये जो शब्द थे ये बहुत ही आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने सोचा होगा कि जिसको हम आत्मा कहते हैं, आपने कई बार ये शब्द आत्महंता, आत्महत्या, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मविश्वास, ये बहुत सारे शब्द है, जब मूल शब्द आप आत्मा मान रहे हो तो आत्मा का आत्म बना कैसे, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि मूल शब्द आत्मा नहीं है, मूल शब्द आत्मन है और आत्मन के साथ में जब मैं ज्ञान को जोड़ देता हूं, बोध को जोड़ देता हूं, विश्वास को जोड़ देता हूं, तब ये शब्द जो है वो क्या बनता है बोलो, आत्मबोध बनता है, विश्वास को जोड़ूंगा तो आत्मविश्वास बनता है, हत्या को जोड़ता हूं तो आत्महत्या बनता है। इस प्रकार
इसी तरह से देखो काशी जो है, काशी राज, काशी का मूल शब्द काशिन है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया काशिन राज। अब ये काशी राज में काशी अकेला लिखोगे तो दीर्घ होगा, लेकिन इसको लिखोगे तो काशी, इस तरह से प्रयोग होता है। मित्रों बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जो चीजें थी इसके बारे में मैंने आपसे बात करी, उम्मीद है कि आपको ये जो कक्षा है ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से और साथ ही व्यंजन संधि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मैंने आपको ये कहा था संधि का अर्थ होता है विकार, क्योंकि मिलन, संधि का अर्थ तो मिलन होता है लेकिन मिलने से जो विकार होता है उसको हमने तीन भागों में बांटा और इन दो दो भाग जो आज मैंने आपके सामने कल और आज जो रखे उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आदेश क्या है, आगम क्या है, लोप क्या है। तो आज हमने ये लोप की बात करी और ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार के जो शब्द पक्षी प्राणी भोगी स्वामी रोगी योगी सन्यासी विद्यार्थी तपस्वी युवा राजा ब्रह्मा और आत्मा, इनका मूल शब्द क्या है और किस प्रकार से संधि होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कक्षा के लिए मिलेंगे। नमस्ते।